नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस एक BLT वाल्व एक्चुएटिंग यूनिट की इनहाउस मरम्मत और प्रतिस्थापन से कंपनी को पर्याप्त बचत हासिल। सेल RSP में ऑडिट एरियर समिति की बैठक आयोजित। और सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र सेक्टर 4 के ई और एफ ब्लॉक के निवासियों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए पहल। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 1 स्टॉक हाउस चार्जिंग साइट की समर्पित और उद्यमशील टीम ने ब्लास्ट फर्नेस 1 में उपयोग के लिए डिसमेंटल किए हुए ब्लास्ट फर्नेस 3 के एक पुराने वाल्व केसिंग यूनिट BCU को सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित किया है। इस प्रयास से कंपनी को पर्याप्त बचत करने के साथ साथ निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिली है। ये कार्य इंसर्शन फनल, बाउल असेंबली, LMG लाइनर्स और बाहरी हाइड्रोलिक एक्सट्रूडर्स जैसे आंतरिक हिस्सों को बचाकर किया गया था। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस 1 में वाल्व एक्चुएटिंग यूनिट फर्नेस में कच्चे माल को उतारने के समय में बार बार समस्या उत्पन्न कर रही थी, इसलिए 22 अप्रैल 2024 को पुराने BAU को इन हाउस ही पुनर्निर्मित कर BAU से बदलने का निर्णय लिया गया और 36 घंटे के चुनौतीपूर्ण समय के भीतर प्रतिस्थापन कार्य पूरा कर लिया गया। इकाई अब सुचारू रूप से चल रही है। इस उद्यमशील कार्य में शामिल टीम में महाप्रबंधक श्री एस देव, महाप्रबंधक श्री एम एस बेहरा, महाप्रबंधक श्री एस चंदा, सहायक महाप्रबंधक श्री ए बेहरा, वरिष्ठ प्रबंधक श्री एस बी शतपथी, उप प्रबंधक श्री एस लंका, मास्टर टेक्नीशियन श्री पी के पात्र, मास्टर टेक्नीशियन श्री RC दत्त, मास्टर टेक्नीशियन श्री GS महंतो, वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री बी ओराम एवं मास्टर टेक्नीशियन श्री जी बेहरा ने मुख्य महाप्रबंधक आयन श्री बी पल्लाई एवं मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी ब्लास्ट फर्नेस श्री पी के महापात्र के मार्गदर्शन में किया। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग के सम्मेलन कक्ष में 30 अप्रैल 2024 को एक ऑडिट बकाया समिति की बैठक ASEM आयोजित की गई। IA एवं AS निदेशक वाणिज्यिक भिलाई श्री SS बहदहरिया ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर वरिष्ठ रेजिडेंट अधिकारी श्री MK पटेल, मुख्य महाप्रबंधक MM सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा चौधरी NK नंदचंद नंदा उपस्थित थे। बैठक में सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, PPC, मेडिकल, MM, टाउनशिप और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री MS दहरिया ने पिछले वर्ष ASEM के सफल आयोजन को स्मरण कर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की जिससे RSP और उड़ीसा खान समूह के बकाया पैरा के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी। प्रारंभ में चौधरी NK नंदा ने सभा का स्वागत किया और आंतरिक लेखा परीक्षा टीम के साथ बैठक का समन्वय किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य RSP और उड़ीसा खान समूह के 21 बकाया पैरा के शीघ्र निपटान कराना था। बैठक मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। सेक्टर 4 आवासीय क्वार्टरों के ई और एफ ब्लॉक में चोरी और चोरी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र ने क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपाउंड दीवार और 2 सुरक्षा कैबिन ब्लॉक का निर्माण किया है। 2 मई 2024 को आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई ने नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक परिवहन एवं FMM सह अध्यक्ष RSPEA श्री अवकाश मल्लिक, संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी गण, RSPEA के पदाधिकारी और सदस्य एवं क्षेत्र के निवासी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मासिक सुरक्षा शुल्क निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। रौरकेला स्टील प्लांट एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ने ठेका और उसके कार्यान्वयन के लिए पहल की है। अनुबंध में 3 शिफ्ट में गार्ड रखने का प्रावधान है। इस पहल से अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी जिससे संपत्ति और रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।